हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग ग्रीन गोल्ड। गाइस, आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये बोगनविला का प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें देखिए गुच्छे गुच्छे फ्लावर निकलते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये। इसको पेपर प्लांट भी बोलते हैं और ये कई कलर में आता है। ये पिंक कलर है और एक आता है ऑरेंज कलर में, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और एक आता है वाइट कलर में। तो वाइट कलर में अभी नहीं है, मैंने वाइट कलर भी मुझे लेना है। और एक आता है रेड कलर, रेड कलर या जो है बहुत ही रेयर कलर होता है, बहुत ही कम आपको देखने में मिलेगा। ज़्यादातर आपको पिंक, ऑरेंज और वाइट वैरायटी ही मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं। इसको भी मुझे प्रूनिंग और करनी है, तो आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं लगाती हूँ गमले में ये वाला। और इसकी डंठल देखिए कितनी मोटी हो गई है इसकी ब्रांचेस, तो ये मैं नीचे से कटिंग नहीं करूँगी। और ये देखिए ये 10 इंच के गमले में लगा है। ज़्यादातर मेरे पास 8 से 10 इंच के गमले ही मैंने यूज़ किए हैं, और जो फ्रूट प्लांट में थोड़ा बड़ा होएगा तब उसमें लगाऊंगी, तो वो गमला मैं शिफ्ट करूंगी तो वो बड़ा होगा थोड़ा। ये देखिए इसमें कांटे की तरह निकले रहती हैं, डंडियां होते हैं, बिल्कुल फाइन कांटे नहीं होते हैं, इसमें थोड़ी लंबी लंबी डंडी निकली रहती है, तो ये झाड़ी का एकदम आकार लिए रहती। तो इसको ब्रांचेस को अगर आप नीचे से कट करते रहेंगे तो ये जितना कट करते रहेंगे, ऊपर की टिप अगर काट देंगे तो ये नीचे से घना होता रहेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए फ्लावर, ये देखिए इस तरह से हर डंठल में इसी तरह से गुच्छे गुच्छे फ्लावर आएंगे, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब तो हर घर में आपको ये ज़रूर प्लांट मिलेगा, पेपर प्लांट इसको भी बोलते हैं, तो ये तो ज़रूर मिलेगा आपको हर घर में। अब ये देखिए इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी बहुत ही अच्छी है, उसमें भी फ्लावर में कई डिज़ाइन, वो मतलब पत्तियों में डिज़ाइन चेंज है। आप देख सकते हैं इसमें हरी पत्तियाँ और वाइट, और जो है दो शेड में पत्तियाँ भी हैं। ये देखिए ये ऑरेंज फ्लावर, ये देखिए इसकी भी प्रूनिंग करना बाकी है। ये मेरे यहाँ बड़ा थोड़ा पीछे दीवार तक के जा रहा है। फ्रेंड्स, ये प्लांट कलम से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी हर वैरायटी आपको कहीं भी पार्क वगैरह में भी अगर मिल जाती है, तो आप उसकी कलम ला के घर में इजीली पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं।